मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। शनिवार को ईस्ट इंफाल में सेना ने ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित संगठन कांगले यावल कन्ना लूप के 12 कैडर्स को पकड़ा था, लेकिन सैकड़ों महिलाओं के विरोध के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। डिफेंस पीआरओ ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सेना ने खुफिया सूचना के बाद इंफालपुर के प्रथम गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों ने यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया और केवाईकेएल के 12 कैडर्स को पकड़ा, लेकिन 1200 से 1500 लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। इस भीड़ का नेतृत्व महिलाएं और कुछ स्थानीय नेता कर रहे थे। ये लोग केवाईकेएल के 12 कैडर्स को छोड़ने की मांग कर रहे थे। भीड़ को कोई नुकसान न हो इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया और केवाईकेएल के 12 कैडर्स को छोड़ दिया। ईस्ट इंफाल के इथम गांव में प्रतिबंधित संगठन केवाईकेएल के करीब एक दर्जन कैडर्स छिपे हुए थे। सेना को उनके छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन चलाकर 12 कैडर्स को पकड़ा गया था। इनमें संगठन का स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल मोइरंगथेम तंबा उर्फ उत्तम भी शामिल था। केवाईकेएल मैतेई समुदाय का एक ग्रुप है। हाल ही की हिंसा में कई जगह इस ग्रुप का नाम सामने आया है। सेना ने प्रेस रिलीज में एक बयान दिया कि उत्तम 2015 में डोगरा की 6वीं बटालियन पर हमले का मास्टरमाइंड था।